सो हेलो फ्रेंड। तो गाइज आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौज ऐप के बारे में। जैसा कि गाइज मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के जो मिंट्स है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो गए एंड बहुत सारे लोगों के मिंट्स रुक भी गए हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड वीडियो शुरू करने से पहले भाई का नाम जान लो, मैं हूँ विजय एंड आप देख रहे हो विजय ठाकुर टैग। तो गाइज वीडियो करते हैं शुरू। सो वेलकम बैक गाइज। जैसे कि गाइज आप सबको पता है कि मौज पे जब हम MFC क्लियर करते हैं एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मिंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिंट्स हर लोग को मिलते हैं, मिंट्स मिलने के लिए आपको MFC क्वालिफाई करने होंगे। क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपके पास उस टाइप के वीडियो कंटेंट होने चाहिए, ठीक है। एंड जब आप MFC के लिए अप्लाई करते हो एंड आपका सिलेक्शन हो जाता है देन आपको मौज पे मिंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बट गाइज पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पिछले एक महीने से मिंट्स अप एंड डाउन एंड किसी वीक में मिलते हैं तो किसी वीक में नहीं मिलते हैं। ऐसे ही गाइज मैं पिछले वीक का जो मिंट्स है वो भी मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो गाइज कितना कम है मिंट्स एंड कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता देना कि आपके मिंट्स कितने मिले थे। तो गाइज मैंने क्या किया कि अपने मौज बजे से बात किया, मौज टीम से बात किया। उनसे बात करने के बाद मुझे बस एक ही चीज़ पता चलता है, वो बोलते हैं कि भाई आपके जो परफॉर्मेंस है उस टाइप के नहीं है जैसे पहले हुआ करते और इस वजह से आपके मिंट्स मतलब बहुत कम मिल रहे हैं। तो गाइज अब बात ये आती है कि हम परफॉर्मेंस कैसे चेक करें। तो गाइज ले चलते अपने मोबाइल स्क्रीन वहाँ पर दिखाते हैं परफॉर्मेंस चेक कैसे करते हैं। तो वेलकम बैक गाइज, ये रहा मेरा मौज का प्रोफाइल। अगर आप लोगों ने मुझे मौज पे फॉलो नहीं किया तो गाइज प्लीज़ फॉलो कर ले। तो गाइज यहाँ हम ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हो इस पर क्लिक करते हैं तो इस साइड में कंटेंट दिखेगा एंड लेफ्ट साइड में ओवरव्यू दिखेगा। तो ओवरव्यू में जैसे कि 7 दिनों का जो यहाँ पे देखा जा रहा है तो यहाँ पे लिखा होगा, अगर आपका सही होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो माइनस में लिखा होगा समझना कि परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रहे हैं। एंड जैसे कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है -8.98% फ्रॉम लास्ट 7 डेज, मतलब पिछले 7 दिनों से जो मेरा परफॉर्मेंस और नीचे ही जा रहा है, मतलब इस वीक तो और भी कम मिंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब सैटरडे संडे मेरे अच्छे खासे परफॉर्मेंस थे। एंगेजमेंट की बात करें संडे को बहुत अच्छे एंगेजमेंट थे, देन मंडे ट्यूजडे एंड आज भी जो है सो बहुत नीचे जा रहे हैं परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही कम मिंट्स मिलने वाले मुझे इस वीक में। तो जनरली ये समझ में आ गया ना कि जिस वीक में एंगेजमेंट हाई होंगे ना उस वीक के मिंट्स भी बहुत हाई मिलेंगे एंड जिस वीक के एंगेजमेंट डाउन जाएंगे ना उस वीक के मिंट्स भी बहुत डाउन जाएंगे, ओके। तो गाइज ये जो मिंट्स है ना वो बस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है एंड आपके कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो अगर आपके वीडियो में बहुत अच्छे रीच आते हैं, बहुत अच्छे एंगेजमेंट आते हैं, आपके लाइक फॉलोअर्स वगैरह सब कुछ बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो मिंट्स बढ़ेंगे। बट इधर एक महीने के अंदर देखा गया है तो कि सारे लोगों के जो फॉलोअर्स वो भी डाउन हो रहे हैं, व्यूज़ भी डाउन हो गए तो मिंट्स तो ऑटोमेटिकली डाउन होएंगे ना, बट लोग सारे परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो मैं इसका भी रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ कि मौज पे बहुत सारे क्रिएटर आ गए एंड गाइज ये डिपेंड करता है ना कि आपके कैटेगरी पे, क्योंकि अगर हम एक्टिंग, ठीक है, लिपसिंग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि 90% लोग एक्टिंग एंड लिपसिंग वाले में होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि इसमें जो भी क्रिएटर होंगे उसको बहुत कम पे आउट मिलेंगे, ठीक है, एंड जो ओरिजिनल क्रिएटर होंगे उनको बहुत अच्छा मिलेंगे। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने वीडियो पे आप फोकस करो, कंटेंट उस टाइप के बनाओ कि लोग देखें एंड आपका वीडियो वायरल हो जाए, मतलब आप कंटेंट बहुत अच्छा बनाओ कि लोग आपको सर्च कर करके देखें। जब ऐसा हो जाएगा तब आपके वीडियो के जो इंगेजमेंट है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लाइक बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड जब ये सब बढ़ेंगे तो इंगेजमेंट बढ़ जाएंगे और ये इंगेजमेंट बढ़ने पर तो आपके मीन्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही ना। सो गाइज ये रही आपकी वीडियो कंटेंट के बारे में। अब आपको बता दें कंटिन्यूटी कैसे यहाँ पे कंटिन्यू रहना है। सो गाइज यहाँ पे आपको कंटिन्यू रहने के लिए कम से कम रोज का 2 से 3 वीडियो आप अपलोड करोगे, मतलब आप ये माइंड में सेट कर लो कि अगर हम 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हम पूरे एक वीक तक 2-2 वीडियो ही अपलोड करते रहें। ऐसा नहीं कि हम आज 2 वीडियो, कल 3 वीडियो, फिर परसों 4 वीडियो, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको इस वीक में अगर 14 वीडियो आप डिलीवर कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक में बस 14 वीडियो ही आप डिलीवर करोगे। अगर आप इस वीक में 21 वीडियो अपलोड कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक में भी 21 वीडियो को अपलोड करना है, मतलब गाइस ये कंटिन्यूटी होता है, इसको आप लोग फॉलो करोगे एंड इसको अगर फॉलो करोगे तो इस हिसाब से जो कंटिन्यूटी होगी वो मेंटेन होगी। तो गाइस ये अपने हिसाब से आप सोच लें कि आप कितने वीडियो डिलीवर कर सकते हो एक दिन में, आप उतने वीडियो पे फोकस करो, वीडियो कंटेंट पे ध्यान दो, कोशिश करो कि कुछ हम नया एंड कुछ हट के कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के MFC में सिलेक्शन हो गया एंड सबको पैसा मिलना और बहुत सारे पैसे मिलना
ये तो बड़ा मुश्किल होता है, ये आपको भी पता है। सो आई होप गाइज कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है, तो आपको क्या करना है आपको ऑलरेडी पता है। तो इस वीडियो को अपने सारे मौज फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना, एंड आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बताना। एंड गाइज साथ में आप ये भी बताना कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो वो किसके ऊपर हो। सो गाइज मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।